नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डीरे डॉग। मेरे पास है शामिल रेडमी वाई टू और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 30 टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ दिस स्मार्टफोन। पहला पार्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ये है टॉप 30 टिप्स एंड ट्रिक्स का पार्ट टू। सो दैट बींग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फीचर के बारे में मुझे बहुत किसी ने पूछा कि इस डिवाइस में कास्ट स्क्रीन या फिर मीरा कास्ट का फैसिलिटी है कि नहीं, मतलब अगर आप चाहे तो ये स्क्रीन को आप दूसरे कोई स्मार्ट टीवी से शेयर कर पाएंगे कि नहीं। तो मेरा आंसर है जी हाँ, आप कर पाएंगे। कैसे? उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर मोर एक ऑप्शन है, तो आपको मोर पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपका है वायरलेस डिस्प्ले। सो ये कनेक्टेड हो गया है और जैसे आप देख पा रहे हो, मैं आराम से अपना डिस्प्ले का सभी कंटेंट शो या फिर शेयर कर पा रहा हूँ अपने स्मार्ट टीवी से। तो ये वाला फीचर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इस डिवाइस में आपको मिलता है आयर ब्लास्टर का फीचर, जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है क्योंकि मेरे साथ बहुत बार होता है मुझे रिमोट्स नहीं मिलता घर में। तो ये वाला फ़ोन या फिर आयर ब्लास्टर होने की वजह से मैं एक ही फ़ोन से बहुत चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ और उसके लिए मी की तरफ से एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन भी दिया गया है जिसका नाम है आफ्टर ऑल एवरीवन नोस व्हिच इज ए मी रिमोट एप्लीकेशन। तो आपके यहाँ पर मी रिमोट एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आप ऐड रिमोट जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर सभी अप्लायंसेस का लिस्ट यहाँ पर आ जाता है। सिंपली फॉर एग्जांपल मुझे एसी को अगर ऐड करना, फॉर एग्जांपल मेरे घर में वोल्टास है, सो अगर मैं चाहूँ तो वोल्टास को यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप कोई भी अप्लायंसेस को यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, उसके बाद फ़ोन के द्वारा उसको कंट्रोल कर पाएंगे। खाली यही नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया फीचर है विच इज़ ए लाइव टीवी का एक फीचर है। तो अगर आप लाइव टीवी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम सब टीवी में जो जो चीज़ चल रहा है यहाँ पर वो शो करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स अपना सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा सेट टॉप बॉक्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे यहाँ पर चल रहा है आपका सिटी डिजिटल। सो मैं एक बार ट्राई आउट करता हूँ सिटी डिजिटल यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो मैं आपको ओके, सिटी डिजिटल यहाँ पर आपके अवेलेबल है। तो उसके बाद मुझे पेयर करना पड़ेगा अपने सेटअप बॉक्स से। मैं अगर पेयर कर लेता हूँ उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर लाइव, मतलब कौन से चैनल पे क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पर आपका लाइव दिखाई देगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर टैप करके ही वो चैनल को डायरेक्टली अपने टीवी में चला सकता हूँ। बहुत बार अलग अलग काम के लिए हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल करते हैं, मैं जनरली एजेड रिकॉर्डर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इस डिवाइस में आपको अलग से स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस डिवाइस में इनबिल्ट एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। सिंपली मैं आपको दिखा दूँ, अगर टूल्स का फोल्डर है उसके अंदर अगर आप जाते हैं तब यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन, और इसको इस्तेमाल करके आप यहाँ पर आराम से स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाएंगे विदाउट एनी इशू। बहुत किसी ने मुझे पूछा है इस डिवाइस में एफएम रेडियो का सपोर्ट है कि नहीं, हालांकि अभी एफएम सुनने वाले काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो एफएम का फैसिलिटी चाहते हैं इंडिया में। सिंपली अगर टूल का जो फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा एफएम रेडियो, लेकिन ये वायरलेस नहीं है, वायर्ड एफएम रेडियो है। तो आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप एफएम का फैसिलिटी ले सकते हैं। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन में जाते हैं, उन लोगों के लिए कॉम्पस काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस डिवाइस में कॉम्पस सपोर्ट भी करता है और उसके साथ साथ कॉम्पस का एक एप्लीकेशन भी है, और इस डिवाइस में आपको बाई डिफॉल्ट वो कॉम्पस का एप्लीकेशन मिलता है। उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है एंड इट वर्क्स प्रीटी फाइन विदाउट एनी इशू। जल्दी से चलते हैं सेटिंग्स में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टोरेज। स्टोरेज में अगर जाते हैं तो आउट ऑफ 32 GB विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 22 to 23 GB फ्री मैंने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, और उसके साथ साथ जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर आप चाहे तो माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हो, जैसे मैंने आपका 32 GB का माइक्रो एसडी कार्ड लगाया है। और यहाँ पर एक और एक ऑप्शन है विच इज़ ए स्टोरेज सेटिंग्स। तो अगर आप स्टोरेज सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आप चेंज कर पाएंगे जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर कैमरा जो सोर्स है जो सेव होगा उसको आप एक्सटर्नल सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आपका जो थीम स्टोरेज है उसको आप एक्सटर्नल कर सकते हैं, बैकअप एक्सटर्नल, गैलरी एक्सटर्नल, और आपका म्यूजिक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सटर्नल। तो सभी अगर आप एक्सटर्नल सिलेक्ट करके रखेंगे तब आपका इंटरनल मेमोरी काफ़ी कम यूज़ होगा, जो मेरे हिसाब से फ़ोन के लिए काफ़ी बेहतर होता है। डबल टैप टू वेकअप ये ऑप्शन भी इस डिवाइस में अवेलेबल है। अभी आप सोच रहे हैं इसको एनेबल कैसे करें, सिंपली इसको एनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में जाने के बाद जैसे नीचे यहाँ पर आपका ऑप्शन है, एक तो ऑटो रोटेशन है, उसके बाद आपका डबल टैप टू वेकअप, तो इसको अगर आप एनेबल करेंगे, सिंपली डबल टैप करेंगे तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। डेफिनेटली ये अनलॉक नहीं होगा बट स्क्रीन आपका ऑन हो जाएगा।
नीचे का जो नेविगेशन बटन है उसका अगर अलाइनमेंट आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं सिंपली। जैसे आप देख पा रहे हो अभी अलाइनमेंट आपका चेंज हो गया, फिर से जैसे मैं फिर से चेंज करूँ तो अलाइनमेंट आपका चेंज होगा। तो आप जितना बार चाहे या फिर जैसे आप चाहे बैक स्क्रीन या फिर आपका मल्टीटास्किंग को आप चेंज कर सकते हैं राइट या लेफ्ट, और होम बटन जो है वो जनरली आपका बीच में ही रहेगा। अभी आप सोच रहे हो इसको चेंज कैसे करना है, लेट मी शो यू। इसको चेंज करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले पे। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ ए मिरर बटन्स, जैसे आप देख पा रहे हो। सिंपली अगर आप इसको टैप करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाता है, इसको अगर टैप करेंगे फिर से ये आपका चेंज हो जाता है। इस डिवाइस में आपको मिलता है 5.99 इंच का डिस्प्ले विद 18:9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले। उसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड ओडियो 8.1.0 का अपडेट। सो यहाँ पर आप ऑन स्क्रीन जेस्चर इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है ये जो नीचे नेविगेशन बटन्स है अगर आप चाहे तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं, और ये जो टोटल आपका मल्टीटास्किंग है या फिर होम है या फिर बैक बटन ही, ये सभी चीज़ आप जेस्चर के मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद थोड़ा स्क्रोल डाउन करके आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा होम स्क्रीन रीसेंट और उसके नीचे आपको मिलेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, एक है आपका बटन, दूसरा है आपका फुल स्क्रीन जेस्चर। तो अगर आप चाहे तो फुल स्क्रीन जेस्चर को ऑन कर सकते हैं और उसके बाद नीचे जाके आप जान सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका होम स्क्रीन है, उसके बाद नीचे से ऊपर अगर होल्ड करके रखेंगे जाके उसके बाद रिसेंट है, और ऐसे आपका बैक है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर आपका अवेलेबल है। सो लेट मी ट्राई आउट और देखता हूँ ये कैसे काम करता है। तो मुझे अगर बैक जाना है तो ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैक हो जा रहा है। तो जैसे आप देख पा रहे हो अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन के अंदर अगर ऐसे करता हूँ तो ये यहाँ पर होम आ जाता है, जैसे एप्पल में हम लोग देखे थे ऐसे आपका होम स्क्रीन आ जाता है। फिर अगर मैं नीचे से ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर आपका मल्टीटास्किंग आ जाता है। तो सभी ऑप्शन काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर आपको फुल स्क्रीन इस्तेमाल करना पसंद है तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट। सिंपली आपको बोलना पड़ेगा ओके गूगल व्हाट्स द वेदर इन कोलकाता। करंटली इन कोलकाता इट्स 29 विद हेज। टुडे इट विल बी पार्टली क्लाउडी विद अ फोरकास्ट हाई ऑफ 38 एंड अ लो ऑफ 29। सो बहुत किसी ने मुझे पूछा इस डिवाइस में स्प्लिट स्क्रीन या फिर मल्टी विंडो का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। जी हाँ, मल्टी विंडो का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सिंपली आपको मल्टीटास्किंग में जाके यहाँ पर स्प्लिट विंडो को टैप करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन को आपको मल्टी विंडो करना ऊपर लेके जाइए, उसके बाद इसको ऑन कर लीजिए, उसके बाद ऊपर नीचे आप जो भी चाहे इसको कर सकते हैं। तो जी हाँ, मल्टी विंडो ऑप्शन इज अवेलेबल और उसको आप आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। हम लोग जब अंधेरे में फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तब आंखों में काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो यहाँ पर रीडिंग मोड एक ऑप्शन अवेलेबल है जो आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन टॉगल से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ से इस्तेमाल नहीं करना है सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक रीडिंग मोड का ऑप्शन जैसे आप देख पा रहे हो, तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं सिंपली बाय टैपिंग रीडिंग मोड ऑन। उसके बाद इसका जो डेंसिटी है इसको आप बढ़ा सकते हो कमा सकते हो, तो जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो स्क्रीन आपका हल्का सा एक येलोइश हो जाता है जहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाता है, आँखों में काफ़ी कम चुभता है। तो डेफिनेटली अगर आप रात में फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला ऑप्शन ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका शेड्यूल का भी ऑप्शन है, तो अगर आप चाहे तो पर्टिकुलरली ये टाइम से ये टाइम तक ऑटोमेटिकली रीडिंग मोड ऑन हो जाएगा, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर है, तो वो भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। इस डिवाइस में आपको मिलता है 5.99 इंच का एच डी डिस्प्ले विद 18:9 एस्पेक्ट रेशियो। डिस्प्ले में काफ़ी सारे चेंजेस आप कर पाएंगे अगर आपको कलर टोन चेंज करना है या फिर दूसरा कुछ। उसके लिए सिंपली सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले ऑप्शन में। डेफिनेटली डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो अलग अलग ऑप्शन है, और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट और जो कलर है यहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे। एक तो है आपका वार्म है, स्टैंडर्ड है या फिर कूल है, जो भी जैसे आपको पसंद हो वो आप रख सकते हो। उसके साथ साथ ऑटोमेटिक कॉन्ट्रास्ट का एक ऑप्शन है, उसको आप इनेबल कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट या फिर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रास्ट, जो भी आपको पसंद है वैसा आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का फुल्का आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने डिस्प्ले को अपने हिसाब से। सो गाइज, ये था आपका टॉप 30 टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ Xiaomi Redmi Y2। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो एंड यू कैन लाइक माई फेसबुक पेज ऑल्सो। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेड डॉग, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।